तो स्टोरी कंटिन्यू होता है और इसके बाद फुकामी उससे कहता है, मेरा पास्ट काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे जानो। मैंने बहुत सी प्रॉब्लमें सही है और बहुत सी ऐसी चीज़ें करी है जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या तुम उससे नाराज हो? तो वह कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कभी चेंज नहीं होंगी। यह सुनकर फुकामी उसे हक करता है। रिसा फिर फुकामी से कहती है कि अकत्सु ने जो किया उसके लिए सॉरी। तो फुकामी कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें वो सब कुछ भुला दूंगा। फिर उसे बड़े ही प्यार के साथ किस करता है, जो कि रिसा को भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो कहता है, क्या तुम अब सब कुछ भूल गई? तो वो कहती है, हाँ, तुम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो। तो वो कहता है, जानकर अच्छा लगा। तभी उसका सेक्रेटरी आकर कहता है, बॉस टाइम हो गया है। फुकामी कहता है, रिसा तुम यहीं रेस्ट करो, मैं आता हूँ। फिर वो चला जाता है। रिसा देखती है कि वो अपना मोबाइल ले जाने भूल गया है, तो वो मोबाइल लेने जाती है, जहाँ फुकामी अपने सेक्रेटरी से कहता है, तुम यहीं रहकर रिसा का ध्यान रखना। तो वो कहता है, लेकिन अगर वो अकत्सु फिर से मिस रिसा के साथ कुछ किया तो? तो फुकामी कहता है, उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अब ये सब बातें रिसा सुन लेती है। नेक्स्ट दिन वो सोच रही होती है कि उस दिन के बाद से हफ्ते भर हो गए हैं फुकामी से बात किए हुए, क्या वो मुझे प्यार नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर अपने काम में बिजी होगा। और तभी वो फुकामी को देखने पाती है, वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी वो देखती है कि फुकामी एक लड़की से मिलता है और दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ये देख रिसा को काफ़ी बुरा फील होता है, वो सोचती है, क्या था अभी ये सब, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और यही सब सोच सोच कर वो जा रही होती है, जहाँ रास्ते में वो अकत्सु मिलता है। वो उसे कुछ गिफ्ट देते हुए कहता है, उस दिन के लिए सॉरी। वह कहती है, नो थैंक्स। फिर वो कहता है, ये तो बता, उस दिन के बाद से फुकामी और तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, ऐसे भी वो कॉलेज टाइम से लेकर आज तक किसी के साथ सीरियस हुआ ही कहाँ है। रिसा कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है, डोंट वरी, तुम पहली लड़की नहीं हो, उसने तुम्हें डंप किया है तो अपने बारे सोचो। रिसा कहती है, क्या सच में उसने मुझे छोड़ दिया? तो कत्सु कहता है, मुझसे क्या पूछ रही हो, मैं ही था जिसने तुम्हें किस किया था। तो रिसा कहती है, सॉरी। अकत्सु हंसते हुए कहता है, तुम्हारे साथ रह के मैं पागल हो जाऊंगा। फिर वो कहता है, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या मैं तुम्हें पिकअप कर लूँ? और तभी उसका कॉल आता है, जहाँ वो काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है, ठीक है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। फिर वो रिसा से कहता है, लगता है वो फुकामी तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, उस किस का रिवेंज वो इस तरह ले रहा है। रिसा शॉक्ड होते हुए पूछती है, क्या बात है? तो वो कहता है, न्यूज़ देख लेना, तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। इसके बाद रिसा न्यूज़ देखने के लिए मोबाइल निकालती है। तभी फुकामी पीछे से आकर उसे हक करता है और कहता है, थैंक गॉड तुम मुझे यहाँ मिल गई, मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया है। रिसा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है पर कहती है, मैंने भी। नेक्स्ट दिन रिसा देखती है कि उसने फुकामी को जिस लड़की के साथ देखा था वो तो किसी कंपनी की प्रेसिडेंट है, और आज ही फुकामी ने उसके साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर डील करा है। रिसा उसे सॉरी कहती है। तो फुकामी कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा है, तुमको जलसी हो रहा था? तो रिसा कहती है, चुप रहो, मुझे बस बुरा लगा था। और वो अपना सैड सा चेहरा बनाती है। फुकामी कहता है, सॉरी ना, लेकिन रिसा भाव नहीं देती है। तो फुकामी उससे फ्लर्ट करने लगता है, फिर उसे गोद में बैठाता है और कहता है, आई एम रियली वेरी सॉरी तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील कराने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ का बुरा लगे तो मुझे बताना, अपने में दबा के मत रखना। रिसा भी शक करने के लिए उसे सॉरी कहती है। फिर वो कहता है, क्या कुछ और बात है? तो वो कहती है, अकत्सु कह रहा था कि तुम कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होते। तो वो कहता है, हाँ ये सच बात है कि इससे पहले मैं कभी किसी के साथ सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को कभी समझता ही नहीं था, मैं सिर्फ अपने कंपनी के प्रॉफिट के बारे सोचता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, तुम मेरे साथ हो, थैंक यू मुझे बदलने के लिए। फिर वो रिसा को बेड में पिन करता है और कहता है, लेकिन तुम्हें सजा तो मिलना चाहिए, मेरे गैर हाजिरी में तुम अकत्सु से मिली थी। रिसा कहती है, ऐसा बात नहीं है। तो वह कहता है, तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हें ऐसे लोगों से संभल के रहना चाहिए। फिर वो उसका एक बटन खोलता है और फिर रुक जाता है। तो रिसा कहती है, क्या हुआ? तो वो कहता है, तुम कंटिन्यू करो, मैं देखना चाहता हूँ। फिर रिसा अपना बटन खोलती है, लेकिन फिर उसे हक करते हुए कहती है, सॉरी, मैं ऑलरेडी अपना लिमिट क्रॉस कर चुकी हूँ। तब फुकामी स्माइल करता है और फिर दोनों अपना स्वीट मोमेंट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट दिन अकत्सु फुकामी को कॉल करके कहता है, वाह क्या बात है, एक लड़की के लिए तुमने मेरे सारे शेयर्स गिरा दिए। फुकामी कहता है,
इतनी रात गए यही बताने के लिए कॉल किए हो और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कम्प्लीटली बर्बाद नहीं करा। अकत्सु कहता है, मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फुकामी कहता है, रिसा से दूर रहना। तब अकत्सु कहता है, तुम्हें तो ये अच्छी तरह पता है कि जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाए उसे मैं आसानी से नहीं छोड़ता। इसके बाद अकत्सु फ़ोन पर किसी से कहता है कि रिसा पर हर समय ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन रिसा के दोस्त को दिखाया जाता है जहाँ वो एक आदमी से टकराती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा फुकामी होता है। और फुकामी के स्मार्टनेस को देखकर रिसा की दोस्त उसे देखते रह जाती है। नेक्स्ट सीन रिसा अकत्सु के कैफे में होती है। अकत्सु कहता है, कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जो मेरे साथ काम करने के लिए परमिशन दे दिया। रिसा सोचती है, क्या सच में फुकामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं अकत्सु के साथ हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है जो मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर वो अकत्सु से कहती है, थैंक यू जो तुमने अपने शॉप के लिए मेरी जैसी लड़की को चुना। इनफैक्ट मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, मेरा एक दोस्त यहाँ काम करता है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि ऐसे कैफे के लिए मैं एक मॉडल बन सकती हूँ। अकत्सु शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या लगता है तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। कोई बात नहीं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। रिसा सोचती है, क्या ये फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है ताकि फुकामी को गुस्सा दिला सके। इसके बाद डिसेस के साथ रिसा का फोटो शूट होता है। हालांकि रिसा के फेस से साफ झलकता है कि वो कितना अनकम्फर्टेबल है। अकत्सु भी समझ जाता है और कुछ देर के लिए ब्रेक लेने को कहता है। फिर उसके पास जाता है तो रिसा कहती है, सॉरी मैं इसके बाद पूरी कोशिश करूंगी। तो वो कहता है, ज़्यादा कोशिश करने का जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी रहना। वैसे ये बता सकती हो कि डिशेस कैसा बना है। तो वो कहती है, हाँ वो काफ़ी टेस्टी बना है लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी। अकत्सु कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। स्टार्टिंग तो मैं थोड़ा क्यूरियस था पर अब बात अलग है। ये काम तो सिर्फ एक बहाना है, अब तो मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरे पास पैसा पावर दोनों है और मैं उस फुकामी से डिफरेंट नहीं हूँ। रिसा सोचती है, ये बहुत डिफरेंट है। जिस तरह फुकामी मुझे रिसा बुलाता है, जिस तरह वो मुझे टच करता है, वो सब डिफरेंट है। इतने में एक आदमी आकर कहता है, सर मैडम के साथ जिस आदमी को पार्टनर का रोल प्ले करना है वो नहीं आ पाएगा। तो अकत्सु कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। फिर वो आदमी रिसा के पास जाकर कहता है, मिस रिसा आप ठीक तो है ना। और फिर वो अपना फेस से मास्क हटाता है। रिसा उसे यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो वह कहता है, बॉस ने मुझे अकत्सु पर नज़र रखने के लिए भेजा है। रिसा कहती है, मुझे तो लगा था फुकामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं अकत्सु के साथ हूँ। तभी वहाँ अकत्सु आ जाता है। वह कहता है, ओह तो मुझ पर नज़र रखने के लिए फुकामी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। लेकिन जाके कह दो अपने बॉस से कि अगर रिसा को खोना नहीं चाहता तो उसे खुद यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बॉयफ्रेंड का रोल तो मैं प्ले करने वाला हूँ। नेक्स्ट दिन डिसेस के साथ कपल फोटो शूट होता है। अकत्सु कहता है, कम ऑन तुम इतना डरी सहमी क्यों हो, अभी हमें एक हैप्पी कपल जैसा दिखना होगा। रिसा सोचती है, हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा स्माइल करना ही होगा। और तब अकत्सु से रिसा कह के बुलाता है जहाँ रिसा अकत्सु में फुकामी को देखने पाती है। अकत्सु कहता है, तुम अभी मेरे बारे बिल्कुल नहीं सोच रही थी है ना। तभी फोटोग्राफ कहता है, लड़की का पार्टनर आ गया। रिसा और अकत्सु दोनों ही फुकामी को यहाँ देख कर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। अकत्सु कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फुकामी कहता है, मैंने अभी अभी मेल मॉडल से बात करा है, उसका तबीयत सही नहीं है तो बॉयफ्रेंड का रोल मैं प्ले करने वाला हूँ और वैसे भी रिसा का पार्टनर बनने के लिए मैं परफेक्ट हूँ। अकत्सु कहता है, मतलब तुम ये सब पहले से प्लान करके रखे थे। इसके बाद शूट फिर से शुरू होता है और अब की बार रिसा फुकामी के साथ काफ़ी कम्फर्टेबल रहती है। उन्हें देख कर अकत्सु कहता है, ये फुकामी इतना आसानी से उसके चेहरे पर स्माइल ले आया, कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रहा। तो फुकामी का सेक्रेटरी कहता है, मिस रिसा को लेकर बॉस काफ़ी पॉजेसिव हैं। नेक्स्ट दिन फुकामी और रिसा चीयर्स करते हैं। रिसा कहती है, तुम्हारे आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो वह कहता है, मतलब तुम नर्वस थी। तो वह कहती है, हाँ थोड़ा सा। तो वह उसे अपने तरफ खींचते हुए कहता है, मतलब तुम्हारा हार्ट बीट तो उस अकत्सु के लिए तेज हो रहा था। तो वह कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें फील कर रही थी और मेरे ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक है। फुकामी उसे किस करता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। तो वह कहती है, नहीं मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ और मैं चाहती हूँ कि बस मैं तुम्हारे लायक बन जाऊँ। फुकामी वाइन देते हुए कहता है, तो फिर इसे पीना चाहोगी। तो वह ट्राई करती है, फिर वह खुद भी पीता है और उसे किस करता है। तभी उसके दोस्त रिसा को कॉल करती है और कहती है, मैं तुम्हारे फोटोशूट खत्म होने का वेट कर रही थी, मुझे तुम्हें बताना है कि मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों एक कैफे में मिलती है। रिसा कहती है,
तुम 2 महीने उसे टोक्यो में ही और मुझे बताया तक नहीं। और कौन है वो लड़का जिसे तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था? उसकी दोस्त कहती है वो हैंडसम है, काइंड है। और तभी उसका नज़र फुकामी पर पड़ता है। वह कहती है अरे यही तो वो आदमी है जिसे मुझे प्यार हुआ है। जब रीसा उसे देखती है तो उसका माथा घूम जाता है। वो सोचती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके दोस्त को रोकते हुए कहती है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, पर वो आदमी फुकामी है, मेरा बॉयफ्रेंड। उसकी दोस्त भी काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा है मुझे पहले ही पता चल गया, मुझे प्यार भी हुआ तो किससे, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से। अगले सीन वो रीसा के घर में होती है। रीसा सोचती है ये बस कूल दिखने का प्रिटेंड कर रही है। तभी फुकामी रीसा को कॉल करता है लेकिन रीसा रिसीव नहीं करती है। तो उसकी दोस्त कहती है मैं नहाने जा रही हूँ। फिर रीसा कॉल रिसीव करती है तो वो कहता है काम में बिजी होने के वजह से मैं कितने दिनों से तुमसे मिल नहीं पाया हूँ, तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहता था। तभी डोरबेल बजता है। रीसा दरवाज़ा खोलती है तो सामने फुकामी रहता है। उसे यहाँ देखकर रीसा बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। वो अंदर आना चाह रहा होता है पर रीसा ये कहते हुए उसे जाने को कहती है कि आज नहीं, किसी और दिन अंदर आना। तभी फुकामी को सावर का आवाज़ सुनाई देता है। वह कहता है अंदर कौन है? रीसा कुछ नहीं कहती है। तो फुकामी कहता है तब तो तुम्हारे बॉडी से ही पूछना पड़ेगा। और उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मैं रुकूंगा नहीं। और तभी अंदर से उसकी दोस्त कहती है रीसा कौन सा शैम्पू यूज करूँ? लड़की का आवाज़ सुनकर फुकामी शॉक्ड हो जाता है। वो रीसा से कहता है ओ गॉड सॉरी, मुझे लगा अंदर कोई लड़का है, और ऊपर से तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी तो मुझे लगा कि तुम मुझे चीट कर रही हो, आई एम रियली वेरी सॉरी डाउट करने के लिए। रीसा कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तब फुकामी कहता है जानता हूँ लेकिन बस थोड़ा डर गया था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, वैसे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था पर तुम्हारी दोस्त आई हुई है तो मैं तुम्हें किसी और दिन ले जाऊँगा। इसके बाद रीसा की दोस्त पूछती है कौन आया था? तो रीसा कहती है कोई नहीं, पार्सल वाला था। तो उसकी दोस्त कहती है क्यों झूठ बोल रही हो, फुकामी आया था ना? रीसा आज तो मैं तुमसे सच कही देती हूँ कि क्यों सब कुछ तुम्हारे साथ ही अच्छा होता है। इट्स नॉट फेयर रीसा, तुम्हें आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल गया, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया जिससे मुझे भी पहली नज़र में प्यार हो गया था, ऐसा क्यों होता है? तो रीसा कहती है अब मैं क्या करूँ? उसकी दोस्त कहती है तुम फुकामी को मुझे दे दो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि बिना ट्राई किए ही कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे एक दिन के लिए फुकामी के साथ डेट पर जाने दो। रीसा कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वह कहती है ठीक है अकेले ना सही, हम लोग तीनों तो साथ जा ही सकते हैं, मुझे एक बार ट्राई करने दो, इस तरह मैं हार नहीं मान सकती। और नेक्स्ट दिन दोनों फुकामी का वेट कर रही होती है। फुकामी आता है और कहता है तो तीनों साथ डेट पर चलते हैं। रीसा सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ, अगर फुकामी को इससे प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे का स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।